अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज असी एक ऐसा सिलसिला शुरू करन जा रहे हैं। इस सिलसिले की पहली साड़ी वीडियो होएगी कि जेड़े कामयाब हीरो होए ना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने जेड़े बेटे ने उन्हां दी लाइफ जी है ना, फिल्मी लाइफ उहदे गलबात सांझी की जाए। कुछ गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां दियां, किवें फिल्मां चाहे किहड़ियां फिल्मां उन्हां कीतियां, वह कामयाब रहे या नाकाम रहे, कोशिश करांगे कि उन्हां ते जिहड़ियां ने पूरी झाती पाई जाए ते तुहाडे नाल गल्लां सारियां शेयर कीतियां जाण। ते इस सिलसिले की पहली वीडियो जिहड़ी है ना लैके असीं तुहाडी खिदमत विच हाजिर होए हां। ते शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, फन की दुनिया का बेताज बादशाह, कॉमेडी का शहनशाह मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, उन्होंने साहबजादे फैसल मुनव्वर ज़रीफ़ से गलबात अज तुहाडे नाल सांझी करांगे कि उन्होंने कदों फिल्मां च आए, किहड़ियां फिल्मां कीतियां, कदों उन्हों की डैथ हुई, तो किस तरह डैथ हुई, तो उन्होंने अगो बच्चे की कर रहे हैं, सारा कुछ तुम्हें इस वीडियो मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने तो पहले गुजारिश करा, अगर वेखो पंजाब चैनल तो नवे हो तो मैं कैस का दरा थोड़े गुजारिश करना कि चैनल सबसक्राइब करो, मुहब्त दियो, ताकि मजीद इस तरह दीडियो थोड़े तक लैके असी हाजिर होंगे रहिए। बहुत शुक्रिया। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का साहबजादा जी फैसल मुनव्वर ज़रीफ़, 1975 इंग्लैंड जोड़ा ना उन्हों का जन्म होया सी। ते उन्हों की मदर चाहदियां सन कि उन्हों का साहबजादा अपने वालद वांगू एक बहुत वड्डा एक्टर बने, लिहाजा उन्होंने की कीता कि उधरों इंग्लिस्तान तो लिया के पाकिस्तान आए, अल्ताफ सैन जोड़ा ना बताओ डायरैक्टर लिया, खुद प्रोड्यूसर सन मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की जौजा मोहतरमा बेगम उन्होंने, तो फिल्म बनाई, अपने पुत्र नूं बतौर हीरो मुतारफ करवाया 1993। फिल्म का नाम सी पुत्र मुनव्वर ज़रीफ़ दा। करम करी मेरे मौला, अस्सलाम वालेकुम। ते फिल्म बनाई जी उन्होंने, इस फिल्म विच उन्हां दे नाल जिहड़ी हीरोइन सन उह तुहानूं पता है कि 90 दी दहाई दी बहुत सुपरस्टार हीरोइन रीमा जी सन। जदों इह फिल्म बनी ते 93 विच सिनेमिया दी जीनत बनी, तो बड़े अफसोस नाल कहा जाता है, मैं कह रहा वा कि यह फिल्म जिहड़ा बुरी तरह जिहड़ी नाकाम हुई, कामयाब ना हो सके। जिहड़े थोड़ा जिहा खानदान जिहड़ा मुनव्वर ज़रीफ़ का खानदान, ये थोड़ा जिहा समझ लो कि डिसहार्ट होया, लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की बेगम ने दोबारा कोशिश की थी, एक होर फिल्म बनाई अगले साल पुत्र जीरे ब्लेड का। तुहानूं पता कि जीरा ब्लेड जिहड़ी फिल्म है मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की अपने जमाने की शोरा फाक फिल्म रही, इन्होंने उसे नाम जिहड़ा ना यूज करदे होया पुत्र जीरे ब्लेड दा बनाई। मैं जल्दी तो जल्दी इन सलाखां विचों बाहर आना चाहना, इत्थे रखी जन्नत कोलों बहुत दूर हो जावां। एक बार फिर मैं टुटे हुए दिल नाल कहांगा कि पुत्र जीरे ब्लेड दा जिहड़ा ना बुरी तरह पिट गई, नाकाम हो गई, जिहड़ी सिनेमा च बिल्कुल नहीं चल सकी, आवाम ने पसंद नहीं कीता इन्हां दा किरदार, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परेशान तो जाहरी गल, एक बंदा जरा पैसे लाता है, सारा कुछ अपने बच्चे वास्ते कर रहा है, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही, पैसा भी जाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। तीस की कहिंदे ने कि वो पंजाबी विच एक गल है कि तीसरी हद हुंदी है, उन्होंने तीसरी बारी फिर जिहड़ा ना अपने पुत्र की यानी कि उन्होंने अजमान की कोशिश की थी कि पैसा लाने शायद रब मेहरबान हो जाए, लेकिन कुदरत को कुछ होर मंजूर सी। फिल्म इन्होंने बनाई खोटे सिक्के, बहुत वड्डी कास्ट नूं इहदे विच तुहानूं पता है कि कराची का बहुत वड्डा आर्टिस्ट उमर शरीफ नूं लिया गया कि शायद इन अदाकारां दी वजह तो फिल्म चल जाए, लेकिन अफसोस कि यह भी फिल्म ना चल सकी। तो यह खानदान फिर जिहड़ा समझ लो कि बिल्कुल मायूस हो गया तो वापस इंग्लिस्तान टुर गए। उत्थे जाके फिर इन्होंने फैसल मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने शादी कर ली, उन्होंने विचों दो बच्चे भी ने इन्हां दे जिन्हां दियां शादियां हो गई ने, तो उधर ही वो अपना जिहड़ा ना सैटल ने, अपना कारोबार करते हैं, अपनी जिंदगी उधर हसी खुशी गुजार रहे हैं। तो फिर निक्की उम्र ही 44 साल की उम्र अजे हुई सी फैसल मुनव्वर ज़रीफ़ की कि वह 20 अगस्त 2019 जिहड़ा ना हार्ट अटैक की आउण की वजह नाल अपने खालके हकीकी नूं जा मिले मोराको विच। तो उन्हां दी फिर जिहड़ी इन्हां मैयत नूं पाकिस्तान लिआंदा गया, लिया के डिफेंस के कब्रस्तान विच उन्हां नूं जिहड़ा सपुरद खाक किया गया। इस तरह ही इन्हां दे फैसल मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के वालिद शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ साहब भी जिहड़े ने समझ लो कि पर जवानी विच 36 साल की उम्र सी उन्हां दी, जदों कि हार्ट अटैक की वजह तो वह भी जिहड़े ने दुनिया तो परदा कर गए सन।
अल्लाह ताला अगे दुआ करने कि मालिका इन्हां दोनों प्यो पुत्रां नूं जन्नत उल फिरदौस विच आला मुकाम अता फरमा, मालिका तो गलतियां कुताइयां माफ़ कर दे। ये बड़े नरम मिजाज लोग होंगे ने, फनकार लोग जिहड़े ना, बड़े यकीन करो कि समझो नरम दिल वाले होंगे ने। अल्लाह पाक इन्हां ते अपनियां रहमतां करे, ते बाकी भी जिन्ने जिहड़े अदाकार ने, सब लोग जिन्ने भी ने ईमान दी हालत विच दुनिया तो टुर गए ने, अल्लाह सुणे के दुआ है कि मालिका उन्हां सब नूं बख्श दे, ते उन्हां दे पिछले आल औलाद ते अपनियां रहमतां कर। उम्मीद करांगे कि यह साड़ी निक्की जिनी कावश जिहड़ी तुहानूं पसंद आई है, ये भी समझ लो कि असी खराजे तहसीन ही पेश कीता। मैं खराजे तहसीन ही कहांगा इन कि उस खानदान नूं, क्योंकि ये शहनशाह ज़राफ़त दे साहबज़ादे सन, सानूं उन्हां दा प्यार है। ये ट्रिब्यूट पेश कीता, उम्मीद करांगे तुसीं पसंद करोगे। अगली वीडियो तां सानूं इजाजत दिओ, फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी।